मेरा नाम जानवी वेकरिया है अभी मैं ग्रेट ट्वेल्व में पढ़ रही हूँ मैंने रामायण पे एक स्थल पेंटिंग बनाया है जो 1.01 फीट लॉन्ग है उस पेंटिंग में राम जन्म से लेकर रावण वध तक रामायण के सारे मेन इंसिडेंट्स कवर हुआ मैंने उसके अंदर सीता स्वयंवर सेतुबंध लंका दहन रावण वध जैसे मेन इंसिडेंट्स कवर किए हैं कितना समय लगा आ, ये पेंटिंग कंप्लीट करने में मुझे पाँच महीने जितना समय लगा जो मैंने मेरे वेकेशन के दौरान किया था ग्रेड नाइन से ग्रेड ट्वेल्व के बीच में रामायण पे ही पेंटिंग बनाने का इंस्पिरेशन कैसे मिला Uh, जैसे मेरे नाना नानी मम्मी पापा वो सब भी स्कूल पेंटिंग मनाते थे और मैं भी जब छोटी थी तब मैं छोटे छोटे पेंटिंग्स पीस पेंटिंग्स बनाती थी लेकिन जब मैं नाइन्थ में आई तब uh, मेरे पेरेंट्स एक पेंटिंग कर रहे थे मुझे देख के लगा कि मैं भी ऐसा कुछ करूँ अलग वेकेशन टाइम में तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे uh, दसवीं मीटर कैनवास दिया और उस पर मैंने बनाना शुरू किया और उस उस समय पर uh, मैं रामायण के टीवी वी शोज देखे थे रामायण की स्टोरी बुक्स पढ़ी थी और वो एक ऐसी स्टोरी थी जिसको मैं वन जीरो वन फीट कैनवास पे डिपेक्ट कर सकती थी अभी आगे ये पेंटिंग का क्या, क्या, क्या आगे मैं ये पेंटिंग या तो अयोध्या राम मंदिर में पर्वनेंट डिस्प्ले के लिए देना चाहूँगी या फिर इसको सेल करके वो मनी नीडी लोगों को डोनेट करना चाहूँगी मेरा नाम विवा बेकरिया है और मैं स्क्रोल पेंटिंग्स बनाती हूँ फोक स्टाइल में और हमारा एक डिज़ाइनिंग इंस्टीट्यूट भी है आ, उसने जो पेंटिंग बनाया वो रामायण पे 101 फीट लंबा बनाया है और हम लोग जैसे मैं मेरे पेरेंट्स पहले ये स्क्रोल पेंटिंग बनाते थे फिर उनसे मैं सीखी और मैं और मेरे हस्बैंड भी बनाते हैं तो वो बचपन से देख रही है ये, ये जो भी फोक स्टाइल में या जो भी आर्ट हो रहा है ना वो तो वो बचपन में छोटे छोटे पेपर पे पेंटिंग्स बनाती थी लेकिन जब वो नाइन्थ में आई तब उसको हुआ कि मैं भी ऐसा बड़ा एक पेंटिंग बनाऊँ तो हमें बोला उसने कि मम्मी मुझे भी ऐसा बनाना है आप बनाते हो वैसे तो फिर हमने उसके साथ बात की और उसने इंटरेस्ट दिखाया कि मैं रामायण मुझे अच्छा लगता है तो इसके लिए एक ऐसी स्टोरी चाहिए जो कंटिन्यू हम उसको ड्रॉ कर सके तो रामायण से अच्छा और कुछ होता नहीं है तो फिर हमने दिया उसको दस मीटर कैनवास और उसने उसमें स्टार्ट किया आपका कैसा सपोर्ट रहा उसको पेंटिंग के दौरान जैसे वो नाइन्थ यानी छोटी बच्ची है तो उसको थोड़ा हमें इंस्पायर रखना पड़ता है क्योंकि बच्चों को खेलने में उन सब चीज़ों में भी इंटरेस्ट होता है तो वैकेशन में वो सारी एक्टिविटीज़ तो वो करती ही थी लेकिन फ्री टाइम में और कहीं पे भी ऐसे ही टाइम पास टीवी देखने में या ज़्यादा करें उससे अच्छा है कि ऐसी कोई क्रिएटिव चीज़ में जाए तो हम लोगों ने उसको इंस्पायर किया कि अगर तू ये आगे करती है तो तेरे लिए अच्छा भी है और एक तुझे उससे आगे जाके पढ़ाई करते हुए भी तुझे अगर कुछ चाहिए चेंज तो वो भी तो फिर धीरे धीरे देर उसका इंटरेस्ट बढ़ता गया फिर हमें बोलना भी नहीं पड़ता था वो अपने आप करती थी आगे फ्यूचर में या करना चाहते है जाने? अब क्या चाहते? फ्यूचर में उसका एज अ करियर कंप्यूटर साइंस रोबोटिक्स उन चीज़ों में इंटरेस्ट है तो कर आगे स्टडीज़ में आफ्टर ट्वेल्थ वो करेगी लेकिन एज अ पैशन वो ये कर रही है अभी इंटरेस्ट है उसमें तो यही यही स्टाइल या फोक स्टाइल में नहीं तो फिर और कोई पेंटिंग की स्टाइल वो आगे सीखेगी और उसमें करेगी पेंटिंग के बारे में कुछ सोचा आगे पेंटिंग में अभी तो रामायण आता है तो हमें अभी प्रेजेंट तो सबसे ज़्यादा दिमाग में आता है राम मंदिर जो अयोध्या में बन रहा है तो तो अगर उसमें कहीं पे उसको परमानेंट डिस्प्ले की जगह मिलती है तो उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है क्योंकि ये बहुत ही सिंपल वे में दिखाई हुई रामायण है तो बच्चे से लेके बड़ी एज वाले भी इसको एज एक शॉर्ट रामायण है तो ईजीली समझ सकते हैं ये तो बेस्ट प्लेस तो वही है उसके लिए और दूसरा एक भी सोचा है कि अगर ये पेंटिंग सेल होता है तो जानवी का ही एक ऑर्गेनाइजेशन है डोनेट फॉर नीडी करके तो उसके थ्रू हम जो नीडी पीपल हैं उनको डोनेट कर सकते हैं